नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूनिवर्सिटी सीरीज का 20वां अंक आप झेलने जा रहे हैं। मुझे पता है अब आपके लिए झेलना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये सीरीज उन लाखों नौजवानों के लिए है जो यूनिवर्सिटी सिस्टम को झेल रहे हैं। जब यही नौजवान कॉलेजों से निकलेंगे तो समाज और देश इन्हें लंबे समय तक झेलेगा। हमारी राष्ट्रीय रचनात्मकता और उत्पादकता की धार को भोथरा करने का नाम इस प्रोजेक्ट का नाम यूनिवर्सिटी है। भारतीय यूनिवर्सिटी में गाइड भले ना मिले मगर गाइडलाइंस मिलेगी। सबके पास गाइडलाइंस है मगर किसी के पास लाइन लेंथ नहीं। हिंदी में गाइडलाइन को दिशा निर्देश कहते हैं। दिशा निर्देश जारी तो किए जाते हैं मगर वे किस दिशा में चले गए नजर नहीं आते। यूजीसी ने एक गाइडलाइन बनाने के लिए कमेटी बनाई कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए। ये 2006 में प्रोफेसर जे ए के तारीन की अध्यक्षता में 16 मार्च 2011 का एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की प्रेस रिलीज में मिली हमें, जिसमें कहा गया है कि तारीन कमेटी ने जो सुझाव दिया है कि उसके अनुसार स्नातक, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में क्या क्या होना चाहिए। तो स्नातक में, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में साइंस के 25 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए, ये है रेशियो। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 30 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए। पीजी में, पीजी के साइंस में 10 छात्रों पर एक शिक्षक होगा और पीजी सोशल साइंस में 15 छात्रों पर एक टीचर होगा। जब हम ये रेशियो फिक्स करते हैं, अगर यूजीसी इसको ब्लाइंडली लागू कर देती है तो क्या हुआ है कि ये कोलैप्स, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जहां पे टीचर्स नहीं हैं, अब ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स पे अगर ये फिक्स कर दे तो सिस्टम कोलैप्स होता है। तो ये सब हमने मद्देनजर रखते हुए कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स का रश कितना है हिंदुस्तान में, और ये भी देखा कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली क्या रेशियो है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जो टॉप 200 हैं, इसमें रेशियो है 1:4 तक भी है। 1:4 से 1:10 या 1:11, दैट इज द हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं है। तो 1:4 तो एक्चुअली देखिए कि इधर लग्जरी हो जाएगी हमारे लिए, हो सकता है आइंदा, मगर इस वक्त तो लग्जरी है। तो हमने जो मैक्सिमम रेशियो इसमें है वर्ल्ड में, तो उस रेशियो तो देखा आपने, 4:1 होना चाहिए। यही नहीं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के लिए यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई। यह वही है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर किया था कि 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी को टॉप क्लास बनाया जाएगा ताकि वो टॉप 200 में आ जाए। ये रैंकिंग पर भी कभी अलग से बात करूंगा, ये एक नए किस्म का झुंझुना है। बहरहाल, यूजीसी ने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के लिए जो गाइडलाइन बनाई है उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित करने की अधिसूचना जारी करते समय एक टीचर पे 20 छात्र होने चाहिए और 5 साल में ये घटते हुए 10 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगर ये बात है तो फिर हर कॉलेज में यह अनुपात लागू कीजिए ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आने वाले छात्रों के पास ये सूचना होती है? क्या उनके उस फॉर्म या ब्रोशर पर लिखा होता है कि जिसे वो 1,000 या 1,500 रुपए देकर खरीदते हैं, क्या उस पर ये नहीं लिखा जाना चाहिए कि आपका यहाँ स्वागत है? मगर यूजीसी के हिसाब से नहीं, हमारे यहाँ 200 या 300 शिक्षक छात्रों पर एक शिक्षक होंगे। क्या यही कारण है कि क्लास में समझ नहीं आने पर छात्र रेखा गाइड, जसपाल गाइड और चैंपियन गाइड की शरण में चले जाते हैं? यह मजाक भारत के युवाओं के साथ ही हो सकता है, उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि वे कान में ईयरपीस ईपी डाले लेटेस्ट सॉन्ग सुन रहे होते हैं। हमने इस सीरीज के दौरान देखा कि जयनारायण लाल मोहन लाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय फलोदी में 1900 टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, मगर एक भी परमानेंट टीचर नहीं, 0 रेशियो है। SKM कॉलेज बेगूसराय में 1200 छात्राओं पर एक शिक्षक, RK कॉलेज मधुबनी में 500 पर एक शिक्षक, जैन कॉलेज आरा में 180 छात्रों पर एक शिक्षक, महाराजा कॉलेज में भी यही रेशियो है। आप देख रहे हैं कि कितना खराब है। आपने छात्र और शिक्षक का अनुपात देख लिया, सर पीटने की जरूरत नहीं है। इस संख्या के लिहाज से हर कॉलेज में शिक्षकों के मंजूर पदों की संख्या कई गुना हो जानी चाहिए और नेट परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों की लॉटरी खुल जानी चाहिए। मगर भारत के शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले बेरोजगारों की एक बढ़िया खूबी है, वे नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिले। उनमें से कईयों को मैं देखता हूं, जानता हूं, और वो लोग भी ज्यादातर हिंदू मुसलमान में बिजी हैं। नौकरी और रोजगार की संभावना पर कम बिजी हैं।
बिहार के बेगूसराय का एक कॉलेज है श्री कृष्ण महिला कॉलेज, 10,500 छात्राएं यहां पढ़ती हैं, मगर शिक्षकों के लिए मंजूर पदों की संख्या 30 है, जबकि यहां पर मंजूर पदों की संख्या यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से 350 होनी चाहिए, और इस 30 में भी सिर्फ 9 ही लेक्चरर प्रोफेसर है वहां पर। सोचिए कितना सीरियस हालात है, और आप कहते हैं कि झेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बोझिल हो चुका है। हमारे सहयोगी सैयद मेराज ने बिहार के आरा के जैन कॉलेज में के बारे में जो सूचना भेजी है उसे सुनकर आप 10 पूरी ज्यादा खा लेंगे, क्योंकि वहां के लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। जैन कॉलेज आरा के गलियारे में बैठे ये बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतने अच्छे लड़के आपको किसी शहर के नहीं मिलेंगे, वाकई जो पढ़ाई नहीं होने पर भी पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आरा में आपको कॉलेज के खंडहरों के बीच इसी तरह से छात्र समूह बनाकर स्वाध्याय करते मिलेंगे। इस तस्वीर को देखकर आप कह सकते हैं कि इनमें पढ़ने की असीम इच्छा है, कोई कमी नहीं, लेकिन इनकी प्रतिभा रेलवे के इम्तिहान पास कर लेने के आगे नहीं जा पाती। अगर इन होनहार छात्रों को मौका मिला होता, योग्य टीचर मिले होते, तो ये क्या क्या नहीं कर सकते थे। सरकारों ने इनके सपने कुचल दिए, इन्हें जाति और धर्म में बांटकर अधमरा कर दिया। 1918 में हरप्रसाद दास जैन ने आदिनाथ ट्रस्ट की स्थापना की और आरा नगर में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु एक महाविद्यालय की बनाने की उनकी इच्छा थी। 1919 में इस काम के लिए उन्होंने 60,000 रुपए दिए थे। सोचिए 1919 का साल और 60,000 रुपया, ताकि आरा में हायर एजुकेशन का प्रसार हो। उनके जीवन काल में कॉलेज नहीं बना। 1942 में आदिनाथ ट्रस्ट ने फिर से 1,55,000 रुपया दिया। हमारी सरकारों ने हरप्रसाद जैन जी के सपनों की भी हत्या की है, गला घोटकर मार दिया। 1945 में डुमराव महाराज श्रीराम रणविजय प्रसाद ने आरा रेलवे स्टेशन के पास 21 बीघा 10 कट्ठा जमीन दी। आप दिल्ली से पटना रेल से जाएंगे तो बाई तरफ जैन कॉलेज आरा दिखेगा, लेकिन कितनों को पता है कि इस कॉलेज के बनने के सपनों को हमारे नेताओं ने हत्या कर दी है। इसमें 17 विभाग हैं, इसमें इंटरमीडिएट से लेकर पीजी तक की पढ़ाई होती है। शिक्षकों की संख्या 132 होनी चाहिए, मगर हैं 65। एक सवाल बार बार उठता है कि जहां टीचर की संख्या इतनी कम है, उन कॉलेजों को ग्रेड कैसे मिल जाता है। ये एक नया घोटाला चल रहा है देश में। क्या नैक की ग्रेडिंग का कोई मतलब है? जैन कॉलेज आरा की कुछ इमारतों को नैक की टीम के चक्कर में 3-3 बार रंग पोत दिया गया। आखिरकार जहां 132 शिक्षक होने चाहिए और 65 ही हैं, तो फिर उसे ए ग्रेड दीजिए, बी ग्रेड दीजिए, सी ग्रेड दीजिए, क्या फर्क पड़ता है और क्यों दे रहे हैं? क्या आरा के नौजवानों को झांसा देने के लिए कि इसे बी ग्रेड हासिल है, आप यहां एडमिशन लेते रहिए और फिर क्लास की जगह बरामदे में मुंडी गाड़कर रेलवे गार्ड की तैयारी करते रहिए? भारत सरकार को नैक सिस्टम की ही जांच करा देनी चाहिए कि यह सब क्या हो रहा है। नैक की टीम हर जगह जाती है, नाश्ता वगैरह भी चलता है, ग्रेड देने के लिए फीस लेती है कॉलेज से। उल्टा सोचिए, जैन कॉलेज आरा में 11,500 छात्र पढ़ते हैं। इस संख्या के हिसाब से यहां शिक्षकों के लिए मंजूर पदों की संख्या 350 से 450 के बीच होनी चाहिए, लेकिन मंजूर पदों की संख्या 132 है। यहां के पुराने प्रिंसिपल ने कॉलेज को काफी बर्बाद किया, लेकिन जो नए आए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कोशिश कर रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं है। प्राचार्य ने लिखित में दिया है कि यहां टीचर की संख्या कम है। आप जानते ही हैं कि भारत में किसी समस्या को लिखित में दे देना कितनी बड़ी बात होती है। जैन कॉलेज आरा के पूर्वी गेट पर ओपन मूत्रालय है। कॉलेज में शौचालय का इतना बुरा हाल है कि शिक्षकों को घर जाना पड़ता था, ये उन्होंने बताया। दरअसल आप गेस कर सकते हैं कि ये घर जाने से के रास्ते में पूर्वी गेट जाते होंगे। शिक्षकों ने बताया कि नए प्रिंसिपल के आने के बाद अब शौचालय की साफ सफाई हो रही है, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब समझ गए हैं कि शिक्षकों की भर्ती उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें बायोमेट्रिक सिस्टम पर ही ज्यादा जोर आ रहा लग रहा है। ये सोल्यूशन आ सकता है ताकि जो नहीं आते हैं वो तो कम से कम आने लगे। बायोमेट्रिक सिस्टम अवश्य ही लगना चाहिए महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में। और क्या समस्या आ रही है इसमें, मैं नहीं समझता हूँ। प्रधानाचार्य की मीटिंग में भी हम लोग ने बताया कि नहीं, ये बायोमेट्रिक सिस्टम अतिशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि उसका उपाय है कि सारे टीचर्स नॉन टीचर्स जो समय आए और उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो इसमें जो बहुत सारे यूनियंस जो हैं उनको इस हड़ताल के समय, या अब लगता है कि आप हड़ताल करेंगे और बाद में उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो ऐसे हड़ताल से कर्मचारियों का जो मनोबल बढ़ता है और वैसे हमारे छात्रों का हित भी प्रभावित होता है और महाविद्यालय का गुणवत्ता भी प्रभावित होता है। महाविद्यालय सही ढंग से चले इसके लिए पहला महत्वपूर्ण, जैसा कि हमको मालूम है कि भाई चांसलर साहब ने बायोमेट्रिक के लिए मीटिंग किया था प्रधानाचार्यों में, उसमें हम लोग सर्वसम्मति से पास किया था कि नहीं, जो है बायोमेट्रिक सिस्टम लगना चाहिए।
समस्या है कि टीचर नहीं है, समाधान है बायोमेट्रिक लाया जा रहा है। मैंने लोग घर के सामने गड्ढा दिखा रहे हैं हिमालय की चोटी। मगध यूनिवर्सिटी से भी पता चला कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो दस्तखत करके चले आते हैं, सैलरी लेते हैं मगर क्लास नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर जो राजनीति में चले गए हैं, कॉलेज को बाप का माल समझते हैं, आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं। जैन कॉलेज आरा के शौचालय की एक कहानी पता चली है। यहाँ लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है जबकि यहाँ 5 से 6 हजार लड़कियां पढ़ती हैं। सोचिए 5 से 6 हजार लड़कियां। लड़कियों के कॉमन रूम में शौचालय के लिए एक ही कमरा है जिसमें 4-5 शौचालय है एक कॉम्प्लेक्स में, और उनके लिए अलग से एक शौचालय और बना था। इसकी कहानी ध्यान से सुनिए। लेकिन वो 2-2.5 साल से बंद है। नैक की टीम के स्वागत की तैयारी में जब कॉलेज ने उस शौचालय को खोला तो उसमें लड़कों के यूरिनल लगे मिले। ऐसा घोटाला और कहां हो सकता है। फिर से उस शौचालय को बंद कर दिया गया है ताकि कॉलेज की बदनामी ना हो। आप सोचिए 5,000 लड़कियों पर कुल 5 शौचालय है जबकि 6 लड़कियों पर एक शौचालय होना चाहिए। ये गाइडलाइन है, ये भी ना इसका लाइन पता चलता है ना गाइड पता चलता है ना बनाने वाला पता चलता है, और 5,000 पर 5 शौचालय। क्या इस स्थिति में छात्राएं कॉलेज आती होंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजकुमार सिंह आरा के ही सांसद है, मगर यह समझना होगा कि इस समस्या को 20-25 साल से पाला पोसा जा रहा है, आज की समस्या नहीं है। दुख की बात है कि आज भी इसे कोई दूर नहीं कर रहा। आखिर आरा जो कि इतना ऊर्जावान शहर है अपने एक कॉलेज को क्यों नहीं संभाल सका। फिर आरा जिला घर बा कौन बात के डरबा कहने का क्या मतलब है। उस साहस का क्या फल मिला इस शहर को। महाराजा कॉलेज पहले जज साहब की कोठी के नाम से मशहूर था। डुमराओं के महाराजा कमल सिंह ने अपने पिता की याद में कॉलेज के लिए 25 बीघा जमीन दान में दे दी। इसकी कुछ इमारतें रंगी पुती हैं मगर अंदर से यह कॉलेज भी भारत की उच्च शिक्षा की निम्नतम स्थिति का आदर्श उदाहरण है। यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते हैं। मैं तो सुनकर हैरान रह गया कि यहाँ इंटर से पीजी तक, ध्यान से सुनिएगा, 10 पुड़ी और खा लीजिएगा, यहाँ इंटर से पीजी तक इतिहास विषय में 2,500 छात्र पढ़ते हैं एक कॉलेज के बराबर एक सब्जेक्ट में। किसी को पता लगाना चाहिए कि यहाँ इतिहास इतना लोकप्रिय क्यों है। क्या टीचर कमाल के हैं या फिर छात्रों को पता है कि भविष्य तो बर्बाद हो चुका है, क्यों ना दूसरे का जीते जी इतिहास पढ़ा जाए। 2,500 छात्रों को इतिहास पढ़ाने के लिए इस कॉलेज में, पूरे कॉलेज में इंटर से लेकर पीजी तक एक ही परमानेंट टीचर है। माई गॉड, इंग्लिश में भी कभी कभी बोलिए। क्या आपको अब भी यूनिवर्सिटी सीरीज बोरिंग लग रही है। यहाँ पर एक स्थायी शिक्षक के भरोसे इंटर से पीजी के 2,500 छात्र इतिहास पढ़ रहे हैं। इस देश में बीरबल की खिचड़ी और ताजमहल का विवाद नहीं चलेगा तो किस देश में चलेगा। 3 अस्थायी शिक्षक है जिन्हें वेतन नहीं मिलता है, ये भी अलग कहानी। 1997 से इन अस्थायी शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा। यह सब सुनते हुए आपको क्या लग रहा है, आप नया इंडिया में हैं या गया इंडिया में है। 1997 से किसी को पैसा ना मिले तो वो क्यों पढ़ाए या क्या पढ़ाता होगा। क्या सिस्टम ने नौकरी की उम्मीद देकर इंसान से इंसान होने का हक छीन लिया है। 750 छात्र फिजिक्स ऑनर्स में है और 4 टीचर हैं। क्या यह सब देख सुनकर आपका कलेजा नहीं फटता कि 2,500 छात्रों पर एक टीचर। महाराजा कॉलेज में सिर्फ 82 पद मंजूर है मगर 37 ही हैं। छात्रों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ शिक्षकों के मंजूर पदों की संख्या 300 से 400 होनी चाहिए। घर घर में जो पीएचडी बैठे हैं इनमें से जो काबिल है, हर पीएचडी काबिल नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड भी हैं, उनको नौकरी मिल सकती है मगर मंजूर पदों में भी घपला है। आप इस छात्र को सुनिए और सोचिए कि हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम ने नौजवानों की क्या हालत कर दी है। हमारे यहाँ बीसीए में कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है, ना स्मार्ट क्लास है, ना हमारे यहाँ लैब में कुछ सुविधा है। क्लास तो डेली चलता है लेकिन हमारे कॉलेज में अपना डिपार्टमेंट नहीं है। हम लोग का क्लास चलता है और कोई फिजिक्स का टीचर आता है और बोलता है कि आप यहाँ से क्लास हटाइए, हम लोग का एग्जाम लेना है, तो मेरा क्लास उसी समय सस्पेंड हो जाता है। और हम लोग जब प्रिंसिपल से बोलते हैं तो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट वोकेशनल कोर्स है, ऐसे ही चलता है, क्लास चलने दीजिए। हम लोग का क्लास परीक्षा की वजह से, प्लस में कभी एग्जाम सेंटर्स की वजह से साल में मतलब करीब 2 से 3 महीने रेगुलर चलता होगा। हर सेशन में यही होता है, कोर्स कम्प्लीट करा दिया जाता है, पढ़ाई होता है, लेकिन अपना डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं बोलते हैं, टारते हैं। एक पहले प्रिंसिपल थे वो भी टार के चले गए और ये भी प्रिंसिपल वही है, टार के चले गए मतलब टाल गए। सोचिए इस छात्र का क्या कसूर था। क्या इसके माँ बाप ने इसके लिए सपने नहीं देखे होंगे। आप अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, दिन भर 300 साल पुराना मुद्दा चल रहा है। आगे का 300 साल का भविष्य बर्बाद होना है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा।
वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तहत ये दोनों कॉलेज आते हैं। वीर कुंवर सिंह की जयंती पड़ जाए तो सारे मंत्री पटना से कार लेकर पहुंच जाएंगे और उनका वारिस बताने लगेंगे और दंगा भी करा देंगे शहर में ऐसे ऐसे बयान देकर। मगर उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी की ये हालत है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हड़ताल करते हैं, उनकी क्या हालत होगी हड़ताल करते करते सुन लीजिए। दिवाली छठ सब खत्म हो गया लेकिन हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला। एपीएल से बीपीएल कुछ नहीं आगे कब मिलेगा इसका भी कोई नहीं है जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तनख्वाह के अभाव में परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। स्कूल ट्यूशन फीस सारा चीज दूध दही सब आके बोलता है लोग। कर्मचारी कह रहे हैं कि वे एपीएल से बीपीएल में चले गए हैं। सरकारों ने कॉलेजों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। कोई नेता उच्च शिक्षा पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि अब यह ठीक नहीं हो सकता। कर्मचारियों की मांगे 3 सूत्री से शुरू होकर 11 सूत्री और 16 सूत्री होती चली गई। धरने मियादी से बेमियादी होकर बेअसर हो गए। लोकतंत्र में लोक की दुर्दशा की प्रयोगशाला का नाम है ये यूनिवर्सिटी। ब्रेक के बाद हम अजमेर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और उसके बाद पैराडाइज पेपर्स की भी बात करेंगे।